देश और आज हम शेयर करने वाले हैं कुछ नया इस वीडियो के अंदर, कुछ नए पॉइंट्स इस सीखने और सिखाने वाले सीरीज में, ठीक है। तो स्वागत है आपका द रियल लर्निंग चैनल पर, आपके अपने चैनल पर, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम बच्चे की कौन सी दो प्राइमरी स्किल्स सबसे पहले इम्प्रूव कर सकते हैं और करनी चाहिए हमें। पहली है उसकी नॉलेज बेस को ठीक करना, यानी कि उसके इंटेलिजेंस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करें। दो चीज़ें मैंने बोली, पहली कि उसका नॉलेज बेस हमें ठीक करना है, और दूसरा उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि जो उसका बुद्धि का विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक शार्पनेस बुद्धि की, और एक हमें कितना ज्ञान है, कितनी चीज़ें उसके पास हैं, ठीक है। तो पहला जो नॉलेज बेस है वो कैसे बढ़ेगा बच्चे का, वो बढ़ेगा, बच्चा एक्सपीरियंस पर्सन है, अनुभवी लोग हैं जो, उनसे बच्चा संपर्क में रहता है, उनसे बात करता है, वो लोग अपने ज्ञान को बच्चे को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जब बच्चा अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रीडिंग करता है, जैसे उसके लिटरेचर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, या प्राइमरी स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके मैक्सिमम सब्जेक्ट लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स को छोड़कर। वहाँ पर जब बच्चा उन लिटरेचर सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो नॉलेज बेस होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, और डेफिनेटली वो इंक्रीमेंट बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। सेकंड चीज़ है हमें जो बच्चे की इम्प्रूव करनी है वो है बेटे का इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि बच्चे की जो शार्पनेस है माइंड की उसको इम्प्रूव करना, वो होती है मैथ्स प्रैक्टिस करने से। बच्चा रीजनिंग और मैथ्स को जो डेली प्रैक्टिस करता है, मैथ्स के सम करता है, सोचता है, मैथ्स बच्चे को क्रिएटिव बनाएगा, लॉजिकल थिंकिंग होगी, बच्चे का एनालिसिस स्किल्स अच्छा होगा, ओवरऑल जो शार्पनेस होगी माइंड की वो मैथ्स से बच्चे की इम्प्रूव होगी। इन दो कोर स्किल्स पर हमें काम करना है, ठीक है। तो आई नो यू हैव अ बिजी शेड्यूल एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप बच्चे को टाइम दे पाएं, लेकिन मॉर्निंग टू इवनिंग यू आर डूइंग ग्रेट एफर्ट, ग्रेट वर्क फॉर योर केयर। जब आप इतना मॉर्निंग टू इवनिंग वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने बच्चे को फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर बच्चे के साथ बैठना है और उसको हेल्प करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं कराना है, केवल 35-40 मिनट के लिए आप बैठिए उसके साथ, इसको इंस्ट्रक्ट कीजिए, उसका रूटीन सेट कीजिए कि बैठिए रीडिंग कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, एक चैप्टर उससे रीडिंग कराइए, दो चैप्टर उससे रीडिंग कराइए, उसकी रीडिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर वो आज नहीं भी कर पा रहा है सही से रीडिंग, ठीक है, उसे करने दीजिए, उसको हेल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, अगर क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी क्लासेस लाइक LKG, UKG, फर्स्ट एंड सम अदर क्लासेस, नॉट अपर क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे के साथ बैठने के लिए आपको अपना पेशेंस, अपना धैर्य बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि टीचर एक, अगर आपका बच्चे ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पे 35-40 स्टूडेंट मैंडेटरी हैं कि होंगे उसकी क्लास में, और वहाँ अगर टीचर एवरी स्टूडेंट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक बच्चे को, तो ऑन एन एवरेज एक मिनट के आसपास का टाइम मिल रहा है बच्चे को, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि उसके रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर दे, बिकॉज सारे बच्चों को इतना टाइम मिल रहा है और टीचर सारी चीज़ें उसी टाइम में मैनेज करेगा, ठीक है, तो बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन आप उस पोर्शन को, उस कोर स्किल्स को घर पे बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें मत करें, केवल आप बच्चे की रीडिंग को ठीक करा दीजिए, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर दीजिए, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही अमेजिंग होंगे बच्चे के आने वाले टाइम में, कि आपका जो 30-45 मिनट आप डेली बच्चे को दे रहे हैं, केवल उसके पास बैठ जाइए, रीडिंग को खुद करेगा, जहाँ पर उसको डिफिकल्टी आ रही है उसको वर्ड्स को अंडरलाइन कराइए जो प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है या जिनका मीनिंग बच्चा सेंस नहीं कैच कर पा रहा, उनको अंडरलाइन कराइए, ठीक है। तो बच्चे, इससे क्या होगा, बच्चे का जो नॉलेज बेस होगा वो इम्प्रूव होगा, और नॉलेज बेस इम्प्रूव होने से बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा डेफिनेटली वो अप होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चे को हेल्प कीजिए उसके मैथमेटिक्स के सम्स कराने में डेली, तो उसको कुछ टास्क दीजिए और चेक कीजिए कि उसका क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, अपने लेवल पर, या अपने लेवल पर आप बच्चे का लेवल चेक करके उसको उस तरह के सम्स दे सकते हैं। तो डेली उसको प्रैक्टिस कराइए मैथ्स को, और डेली से रीडिंग कराएं। ये दो चीज़ें जितने भी पेरेंट्स बच्चों को करा देंगे तो डेफिनेटली 110% उन बच्चों का जो रिजल्ट होगा वो स्टनिंग होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स, बिकॉज मेरे भी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और मेरा बिजी शेड्यूल होता है अराउंड 10-12 आवर्स, बट उसके बाद भी आई ट्राई टू मैनेज सम टाइम फॉर माई किड्स, ओके। तो उसी तरह से आप लोगों का भी अपना जो बिजी शेड्यूल है उससे कुछ टाइम निकालिए और अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, क्योंकि जो फैसिलिटी, जो सुख सुविधाएं आप दे रहे हैं अपने बच्चे के लिए, उस सुख सुविधा में सबसे बड़ी जो सुविधा आपको देनी है वो है आपका अपना टाइम, ठीक है।
तो आई होप ये दो चीज़ें जो प्राइमरी कोर स्किल्स हैं आपके बच्चे की, प्राइमरी भी हैं और कोर स्किल भी हैं, कि जो आपको इम्प्रूव करनी, जो बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगी दोनों स्किल्स, और वो तभी पॉसिबल है जब आप ही कोऑर्डिनेट करते हैं अपने बच्चे का। क्योंकि टीचर के लिए 40 स्टूडेंट हैं क्लास में, उनको ऑन एन एवरेज सारे बच्चों का रिजल्ट देना है, लेकिन आपका बच्चा एक ही है, आप उस बच्चे को चेंज नहीं कर सकते हैं, और एक बच्चा ही अगर आपका परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट फेज होगा वो, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसकी जो प्राइमरी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में उसको हेल्प कीजिए। अगर वो कर भी पाता है फिर भी बैठिए उसके साथ, नॉलेज बेस तब भी बढ़ेगा जब रेडी करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो सजेशन आपको दिए गए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए अपने बच्चे को, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, और अगर कोई सजेशन, कोई गाइडेंस हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए।